से हम बात कर रहे हैं, उनके पान की खूबियों के बारे में, उसमें डलने वाली चटनी के बारे में और जो कत्था बनाते हैं उसके बारे में। तो मामा जी बताएं, आपके पान की क्या खूबी है? हमारे पान की खूबी ये है कि हमारा पत्ता बहुत अच्छा होना चाहिए, बराबर अच्छा वाला पत्ता होना चाहिए और कत्था भी अच्छा होना चाहिए तो ही पान लगेगा अच्छा। और जो चटनियां है बाबा 120 ये सब साधना चटनी, नौ रतन चटनी, हाँ। ये होना चाहिए। उसका मिश्रण कैसे करना है वो हमारा, हाँ हमारा, और खिलाना है हमको भाव से, और भाव से और दिल से खिलाना पड़ता है पान। पान को आप अपने भाव से और दिल से खिलाते हैं। और पर एक मुझे पान के बारे में बताइए कि आपको कैसे मालूम पड़ता है कि इस व्यक्ति का क्या टेस्ट है? वो सामने वाला व्यक्ति हमारे पास में आ जाता है ना तो हमारे को ध्यान आ जाता है कि ये पान कैसा खाता है, इसकी च्वाइस ये है। आपके जुड़े हुए कस्टमर कितने होंगे? बहुत सारे, फिर भी अनगिनत, 1000, 10000, 5000, अनगिनत पूरे इंदौर में कहीं भी चले जाए आप, मामा जी का नाम पूछते कि क्लासिक पान एमजी रोड पे खाए, वो हर व्यक्ति बता देगा आपको। आपने बताया था कि पान आपके होटलों तक में जाते हैं? हाँ, मेरे पान इंदौर में जो शादी ब्याह में स्टॉल लगता था वह सबसे पहला मेरा स्टॉल लगता था। अरे सबसे ज्यादा स्टॉल लगाने वाला मैं ही था इंदौर में। और जब आपने पान का ये बिजनेस शुरू किया, हाँ, तो कितने पैसे में पान देते थे पहले? स्टार्टिंग में मेरे बड़े भैया वह 3 नए पैसे 2 नए पैसे में पान देते उन्होंने, 40 साल पहले। और जब हम एमजी रोड पे आए तो 1 रुपए में पान चालू किया। जब बाहर 40 पैसे में मिलता था, हाँ, आप 1 रुपए में, और आज भी आप 20 रुपए में पान देते हैं जैसा कि आपने लिख रखा है। और आइए हम देखते हैं इनके जो मसाले वाले पान है जिसके बच्चे और महिलाएं तक बहुत चाव से खाती हैं। ये है मसाले का पान जिसमें चेरी लगा के देते हैं। खास करके इन्होंने बताया कि जो पत्ता होता है पान का पत्ता, वो अच्छी क्वालिटी का यूज करते हैं। उसमें डलने वाली चटनी से लेके सारी चीजें स्टैंडर्ड क्वालिटी की होती है। और उसका जो मिक्सर या उसमें पान में किस क्वांटिटी में डलना है वो इनकी खूबी है, जिसके कारण पान स्वादिष्ट बनता है। दोस्तों, क्लासिक पान जो इंदौर का फेमस पान है, यहाँ पर हम कुछ कस्टमर्स भी हैं और मामा जी से बात की। मामा जी ने बताया उनके ये बिल्कुल अति विशिष्ट कस्टमर है, 30 साल पुराने। तो 30 साल पुराने कस्टमर, ये संयोग है कि हम उनके साथ में मामा जी का कवरेज करेंगे। मामा जी बताएं, इनसे जुड़े हुए आपको, आपने बताया 30 साल हो गए, हाँ। तो बापना जी से मैं पूछूंगा कि बापना जी, आप यहाँ के पान में क्या विशेषता पाते हैं? मामा का प्रेम है जो हमें इतनी दूर खींच के लेके आ जाता है। मसाले तो सबके पास है, हाँ। प्रेम के खातिर हम लोग यहाँ आते हैं। बहुत बढ़िया। अभी आपने बताया कि आप बाहर जब भी जाते हैं, मद्रास वगैरह जाते हैं, मैं यहाँ से पैक करवा के लेके जाता हूँ, क्योंकि मेरे को बाकी हिंदुस्तान में कहीं का भी पान मुझे पसंद नहीं आता। तो वो मसाले फिर पान अलग से रह जाते हैं और उसका जो आपको लगने वाला मसाला अलग रहता है, मसाला पूरा अलग रहता है। बहुत बढ़िया, बहुत। तो चूना पूरे इंदौर में एक ही जगह लगवाता हूँ पान में कि पान में चूना से इंदौर में सिर्फ एक ही जगह लगवाता, ठीक है। कहीं नहीं लगा। आज आप अपने फ्रेंड को भी यहाँ पे पान खिलाने लाए हैं? और ये बाहर से आए हुए रायपुर से, अच्छा जी, और मेरे ये बड़े ब्रदर है। भाई साहब, आप यदि रायपुर से हैं, रायपुर में इस तरह का पान मिलता है? आपको नहीं मिलता? मैं जब भी इंदौर आता हूँ यहाँ मामा के यहाँ जरूर पान खाने आता हूँ। मामा खड़े खड़े निपटाती जब भी आया हूँ मैं यहाँ, बिना पान खाए नहीं। तो मैं आपसे बोलूंगा मामा जी, आपकी जो स्टाइल है पान खिलाने की वो आप बनाइए और बापना जी को खिलाएं। जैसा कि बापना जी ने बताया कि मामा जी के प्रेम के कारण ही वो यहाँ पान खाने आते हैं, प्रेम के कारण ही यहाँ पे पान खाने आते हैं। और किस प्रेम से खिलाते हैं हम देखेंगे, और कैसे मतलब मामा जी चूना लगाते हैं प्रेम से। यार क्या बात है सर, क्या बात है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा, जरूर इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।